राज्य सरकार जल्द ही अपना बजट पेश करेगी, लेकिन बजट पेश होने से पहले सभी प्रभारी मंत्रियों ने अपने अपने जिलों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से रायशुमारी की। इस कड़ी में उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ जयपुर में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से के साथ बैठक की। वसुंधरा सरकार आगामी बजट को लेकर आमजन से सुझाव लेने में जुटी है, जिससे बजट में हर वर्ग और क्षेत्र की आवश्यकताओं को शामिल किया जाए। इस सिलसिले में आज सभी प्रभारी मंत्रियों ने अपने अपने जिले में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक ली। जयपुर में यह बैठक उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने ली। बैठक में कई अहम सुझाव भी आए। सांगानेर में मिनी सचिवालय, जयपुर सेंट्रल जेल को शहर से बाहर शिफ्ट करना, सुदर्शनपुरा 22 गोदाम और करतापुरा औद्योगिक क्षेत्र को शहर से बाहर शिफ्ट करना, जयपुर के आसपास के कस्बों को सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित करना, शहर में 8 नई स्वास्थ्य डिस्पेंसरी खोलना, अजमेर रोड पर अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल खोलना, जयपुर के आसपास के कस्बों को उपनगरीय रेल सेवा से जोड़ना। शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने इन सुझावों को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को सौंपने की बात कही है, जिससे वो इसे आगामी बजट में शामिल कर सके। ये जो इंडस्ट्रियल एरिया जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया में आ गए, इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए, इन सब बातों के बारे में सबसे विचार सुझाव आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे सुझाव मांगे हैं, उनको आज हम सुझाव भेज देंगे। सीएम वसुंधरा राजे खुद भी समाज के हर वर्ग के साथ बैठक कर उनकी जरूरतों को जानने की कोशिश कर रही हैं, जिससे बजट में समाज के हर तबके की जरूरत शामिल हो सके। जयपुर से पीयूष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। सूबे में डीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारियों को रात्रि विश्राम के तहत गांवों में रात बिताने के आदेश थे, लेकिन अब इस दायरे में तहसीलदार भी आने वाले हैं। जी हां, चिकित्सा राज्य मंत्री राजेंद्र राठौर ने जानकारी देते हुए कहा है कि अब तहसीलदारों को भी गांव में रात्रि विश्राम कर मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना होगा। इसके लिए एक पूरी कार्य योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले बजट की घोषणाओं और सुराज संकल्प यात्राओं की घोषणाओं की समीक्षा भी आज हुई बैठक में की गई। वहीं आगामी बजट में जिले की आवश्यकताओं और समस्या समाधान की दिशा में लिए जाने वाले निर्णयों पर भी चर्चा की गई। राठौर आज झुंझुनू कलेक्ट्रेट सभागार में प्री बजट बैठक के सिलसिले में आए हुए थे। संहिता की गिरफ्त में इतने दिन तक सरकार रही, इसलिए अब इस बजट के माध्यम से जहां जिले के अंदर समसामयिक समस्याओं के समाधान के लिए वित्तीय प्रावधान किया जाएगा, वहीं गतिशील किया जाएगा प्रशासन को, और प्रशासनिक जिला कलेक्टर से लेकर और सभी तहसीलदार तक के अधिकारियों को गांव की ओर रुख भी करना पड़ेगा, गांव में रुकना भी पड़ेगा, नाइट स्टे भी करना पड़ेगा और गांव की समस्याओं का चिन्हित करके उनका निराकरण भी करना पड़ेगा। पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद सियासी पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। बांसवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी सुर्खियों में है और वहीं भरतपुर में कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है। दोनों ही पार्टियों का घमासान अब जग जाहिर हो चला है। पंचायत राज चुनाव खत्म होने के बाद सियासी पार्टियों में पर्दे के भीतर चल रही सियासत सतह पर आ गई। घर में मचा घमासान सरेआम हो गया, कार्यकर्ताओं की नाराजगी जग जाहिर हो गई, और जब कार्यकर्ता बोले तो पार्टी के अंदर हो रही सियासत को सड़क पर आने में जरा भी देर नहीं लगी। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस और या फिर कोई दूसरी ही पार्टी, हर किसी का यही हाल है। यूं तो बीजेपी के अंदर हर जगह संग्राम हो रहा है, लेकिन सड़क पर उतरे कार्यकर्ताओं की ये तस्वीरें बांसवाड़ा की हैं, जहां विधायक और जिला अध्यक्ष की हठधर्मिता ने कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया। वर्तमान में इन्होंने जो मंडल अध्यक्ष कुशलगढ़ में करा, उसमें कानिंग रावत 4 साल पदों पे हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, रसद विभाग में हैं और अन्य भागों में, इसलिए यहाँ के तमाम बीजेपी कार्यकर्ता पूरी तरह से नाराज हैं। सियासत पद के लिए की जाती है, लेकिन जब पद ही ना मिले तो संग्राम होता है और यही हो भी रहा है। मोदी भले ही राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा ना देने की बात करते हों, लेकिन नेता कहाँ मानते हैं।
सड़क पर उतरे ये कार्यकर्ता अपने ही नेताओं पर चहेतों को अहम पदों पर काबिज करने का आरोप लगा रहे हैं। कार्यकर्ता इस मामले में जल्द ही बीजेपी आलाकमान तक अपनी शिकायत पहुंचाने का मन भी बना चुके हैं। कान्हे रावत को बाहर करें, ये हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिल के और आज आए और जिला अध्यक्ष को बताएंगे। जिला अध्यक्ष ने भी अगर मनमानी की हो, हम प्रदेश या राष्ट्र तक हम ये बात पहुंचाएंगे। बीजेपी में जहां पद को लेकर हंगामा है, तो भरतपुर कांग्रेस में भी सौदेबाजी पर सियासत हो रही है। जिला परिषद चुनाव में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। में भरोसा करते हैं जिला प्रमुख जो आज बैठी है, क्या वो पैसे के बल पर बैठी है सीट पर? आपको अभी पता नहीं है, 3 दिन की बिना कलम की जेल जो कटवाई जनता को, ये सत्ता और शासन पूरा दुरुपयोग हुआ इस चुनाव में। अजब खेल है राजनीति का, कुर्सी के लिए कसरत करते करते खादीधारी कुछ भी कर गुजरते हैं। इतना ही नहीं, जिस लोकतंत्र की दुहाई देते वो सत्ता पर काबिज होते हैं, उसी लोकतंत्र का सौदा करने से भी वो सरेआम नहीं कतराते। भरतपुर से ललित परिहार के साथ बांसवाड़ा से राजेश सोनी, समाचार प्लस। सूर्य नमस्कार को सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य कर दिया है। अब सवाल है कि क्या सूर्य नमस्कार के जरिए सूबे की सत्ता मजहबी ध्रुवीकरण पैदा कर रही है? शिक्षा के मंदिर में मजहब मजबूरी से दिखी, इजहार ए तरीका तालीम की जगह ले गया। मानो अब इसके तामील से ही सारे तालीम हासिल होंगे। मजहब का मजाक या मजहबी ज्ञान मजबूर कर रहा है। पूरा विश्व सूर्य नमस्कार को योग में लेकर स्वीकार करके उस तरफ बढ़ रहा है। राजस्थान में अगर कोई विरोध करते हैं तो मुझे लगता है कि विश्व में जो परिवर्तन हो रहा है, आज विश्व के सब मत पंथ और देश योग को स्वीकार करके एक स्वस्थ विश्व और एक स्वस्थ मनुष्य की कल्पना करके आगे बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, धर्म जीने का तरीका है, लेकिन बीजेपी की सत्ता में धर्म सियासी पाठ हो गया। मानो अगर इससे शुरुआत नहीं होगी तो किताबें ज्ञान देना बंद कर देंगी, अक्षर दिखाई देना बंद हो जाएंगे। लेकिन जिस ढंग से सूर्य नमस्कार लागू किया गया, आज कोई करना चाहे तो करे, कोई नहीं करना चाहे तो नहीं करे। अब जबरन बच्चों से करवाएं वो गलत है। इसमें ये रूल्स रेगुलेशन तय होना चाहिए कि यदि किसी के धर्म में कोई प्रॉब्लम है तो उसको छूट दी जाए। लेकिन जिस तरह से एजेंडा लेकर ये आ रहे हैं, इस देश में वसुधैव कुटुंबकम की बात, समन्वय की राजनीति की बात हमेशा हम लोगों ने की। सूर्य को सब देखते हैं, उसकी रोशनी से सब प्रकाशित है, उसके अस्तित्व पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। किसी के लिए वो रोशनी की किरण है, किसी के लिए विधाता की रचना। लेकिन पता नहीं सूबे की सत्ता ने खुद को कब से विधाता मान लिया और इबादत का तरीका भी इजाद कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार पर। सदस्यता अभियान को लेकर राजस्थान कांग्रेस से 15 फरवरी को सभी जिला कांग्रेस कमेटियां फीडबैक सेमिनार लगाएंगी। 25 से 27 फरवरी के बीच में संभागीय सेमिनार लगाए जाएंगे। पूरे प्रदेश में डाटा इकट्ठा करने के बाद कांग्रेस 28 फरवरी को सोनिया और राहुल गांधी को रिपोर्ट सौंपेगी। लगातार मिल रही शिकस्त के बाद फिर जगी कांग्रेस को आस, अब सदस्यता अभियान पर लगाया दांव। बड़ा सवाल, अभियान से बचेगी साख? ढलते सूरज सी लग रही 130 साल की कांग्रेस फिर से खड़े होने की जुगल भिड़ा रही है। दिल्ली दरबार से मिले ब्रह्मज्ञान को कांग्रेस राजस्थान में लागू करने जा रही है, यानी बीजेपी की तरह कांग्रेस भी सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। सदस्यता अभियान चलाना ही पार्टी का मकसद नहीं है, बल्कि सदस्यता अभियान की पूरी मॉनिटरिंग भी कांग्रेस कर रही है। इसी के लिए 15 फरवरी से पार्टी पूरे राजस्थान में जिला कांग्रेस कमेटियों का सेमिनार कर फीडबैक लेगी। जिलों से डाटा जुटाने के बाद कांग्रेस 25 से 27 फरवरी तक संभागीय कार्यशालाएं लगाएगी। हमारे सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता व्यस्त रहे और 28 फरवरी तक हम लोगों को अपना मेंबरशिप का अभियान पूरा करना है
उस संदर्भ में आज हमने सब प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और विशेष रूप से जो प्रभारी हैं सदस्य अभियान के उनकी आज एक बैठक बुलाई है। पूरे राजस्थान से डाटा जुटाने के बाद प्रदेश कांग्रेस 28 फरवरी को दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जहां कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सदस्यता अभियान की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सक्रिय मेंबर्स की संख्या में हम इजाफा लेकर आए, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, हर जगह अपनी मेंबरशिप को और मजबूती से। बीजेपी सदस्यता अभियान के लिए टारगेट लेकर चल रही थी, लेकिन टारगेट पूरा न होने पर बीजेपी की सदस्यता अभियान सवालों में आ गई। ऐसे में कांग्रेस किसी तरह का टारगेट सेट नहीं करना चाहती, क्योंकि कांग्रेस टारगेट के अधूरे रहने पर किसी तरह की फजीहत कराना नहीं चाहती, और कांग्रेस ये भी बखूबी जानती है कि डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता। हमारे यहाँ ऐसा कोई टारगेट नहीं है, हमारा जो मूल लक्ष्य वही है कि सदस्य उसी को बनाया जाए जो पार्टी के लिए समर्पित हो, पार्टी के लिए काम करे, और अधिक से अधिक लोगों को, निष्ठावान को इस सदस्यता अभियान से जोड़ा जाए। सदस्यता अभियान से कांग्रेस को कितना फायदा होगा और कितने लोग कांग्रेस के सदस्य बनेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि बीजेपी के फेल होते दिख रहे सदस्यता अभियान पर कांग्रेस कब्जा करना चाहती है, ताकि कांग्रेस में नया सवेरा लाया जा सके। जयपुर से नीरज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। आरसीए विवाद मामले में ललित मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने अमीन पठान के अविश्वास प्रस्ताव को गलत ठहराया है और प्रस्ताव को दोबारा साबित करने के लिए 13 मार्च तक का वक्त दिया है। ललित मोदी और अमीन पठान के झूठी शान और नाक के सवाल के नीचे पिस रहा राजस्थान क्रिकेट संघ। एक विवाद खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। दोनों की लड़ाई में पिस रहा राजस्थान क्रिकेट अखाड़ा बन गया है और अब उस अखाड़े में हाईकोर्ट कूद गया है। अमीन पठान ने आरसीए की कुर्सी के लिए ललित मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर पासा फेंका और खुद कुर्सी पर बैठ गए थे, अब उसे हाईकोर्ट ने गलत ठहरा दिया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन 11-10-2014 को पास किया था अमीन गुट ने, वो इलीगल है, ना उसका नोटिस किसी को दिया गया था, ना उसकी मीटिंग आरसीए में हुई, वो एक प्राइवेट होटल में हुई थी, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है और उसको सेट असाइड कर डाला है। आरसीए के चेयरमैन की कुर्सी के लिए हंगामा कर रहे पठान और मोदी ग्रुप को हाईकोर्ट कोई नया विवाद खड़ा करने का मौका नहीं देना चाहता, लिहाजा हाईकोर्ट ने अमीन पठान ग्रुप को अविश्वास प्रस्ताव दोबारा लाने के लिए 13 मार्च तक का वक्त दिया है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो चेयरमैन स्पोर्ट्स काउंसिल हैं वो एक महीने तक चार्ज और रखेंगे। अगर ये लोग सोचते हैं कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं तो कल को कोई डिस्प्यूट ना हो, इनको हक है, ये दोबारा ला सकते हैं, पर विधिवत कानून के रूप से लाना होगा। अगर ये नहीं लाते हैं तो चार्ज दोबारा ऑफिस बेयरर्स के पास इमीडिएटली 13 तारीख को आ जाएगा, और अगर ये लाते हैं तो जो उसका निर्णय होगा उस हिसाब से कार्य होगा, और जो भी आगे की कार्रवाई, अगर नो कॉन्फिडेंस सक्सीड करता है तो वो केवल और केवल चेयरमैन स्पोर्ट्स काउंसिल करेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं सेक्रेटरी हूं, मैं ट्रेजर हूं और मैं हिसाब से कार्य करूंगा। 11 अक्टूबर 2014 को मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले अमीन पठान को हाईकोर्ट ने पटखानी दी तो अमीन पठान अपने बचाव में कूद गए, और अब पठान हाईकोर्ट के फैसले के सम्मान की बात कहकर कोर्ट के फैसले को अपने पक्ष में बता रहे हैं। हमने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि आप दोबारा इलेक्शन करा लो, क्योंकि मेजोरिटी हमारे पास है, हमारे पास 23 जिला क्रिकेट संघों का हमारे को समर्थन है, तो हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं थी। तो माननीय न्यायालय ने 4 सप्ताह के अंदर दोबारा से मीटिंग करके अविश्वास प्रस्ताव दोबारा से लाने के लिए कहा है, तो हम बिल्कुल जो निर्णय हुआ है न्यायालय का उसका सम्मान करते हैं और हम उसको पूरा फॉलो करेंगे। चेयरपर्सन की कुर्सी को लेकर आरसीए में मचे घमासान के चलते राजस्थान क्रिकेट को काफी नुकसान हो रहा है। बीसीसीआई पहले ही आरसीए पर बैन लगा चुका है और अब आईपीएल के 8वें संस्करण की मेजबानी राजस्थान से छीन ली गई है। विवाद के बीच हाईकोर्ट के आने से अब उम्मीद जगी है कि राजस्थान क्रिकेट संघ से विवाद खत्म होगा और पटरी से उतर चुका क्रिकेट फिर से चलेगा। राखी सिंह, जयपुर, समाचार प्लस। वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। SNG ग्रुप, हम नए युग का निर्माण करते हैं।
वर्षों के अतुल्य अनुभव से हम करें निर्माण देश की सर्वश्रेष्ठ इमारतों का। कमिटमेंट, क्वालिटी और ट्रस्ट है जिनकी पहचान। SNG ग्रुप, हम नए युग का निर्माण करते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर भी समाचार प्लस के क्षेत्रीय चैनलों की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। एंड्रॉइड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर से और आईफोन यूजर्स एप स्टोर से समाचार प्लस का ये यूजर फ्रेंडली मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कब्ज, गैस, पेट का भारीपन दूर करें। टेक्नोफार्म की कैस्ट्रोफीन टैबलेट व चूर्ण। कब्ज भगाए, कैस्ट्रोफीन टैबलेट व चूर्ण कैस्ट्रोफीन। खबरें जो देती है सिर्फ सच का साथ, खबरें जो करती है सिर्फ आपके हक की बात। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जयपुर में जापानी युवती से हुई रेप के बाद पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने फरार आरोपी पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। बता दें कि 8 फरवरी को राजधानी में जापानी युवती से रेप हुआ था। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस मामले में अभी भी एक आरोपी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। उसका हमारे से कोई संबंध नहीं था, वो न तो कोई प्रॉपर गाइड है, और हमारी मेंबर का एसोसिएशन वही बन सकता है जो सरकारी गाइड है। जो सरकारी गाइड नहीं है, जिसके पास में वैध लाइसेंस नहीं है, वो हमारी एसोसिएशन का मेंबर भी नहीं बन सकता। होना क्या चाहिए? होना यही चाहिए कि जो आपके सरकारी गाइड है, जिनको सरकार ने मान्यता दी गई है, वही लोग बाग काम करे। दूसरे जो लपकागिरी कर रहे हैं वो काम नहीं करे, और उनके ऊपर चेक टैफ अब जब आपने बना दी है तो टैफ का काम यही है कि वो लपकों को पकड़े, वो इस तरह के लोगों को पकड़े जो इंट्रिकेट करते हैं टूरिस्ट से, टूरिज्म मोनूमेंट्स पे, वो उनको रोके कि भाई साहब क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि वो इस तरह की हरकतें जब करते हैं तभी टूरिस्ट उनके पास में आता है। बेसिकली क्या होता है कि पुलिस का काम ये है कि लपकों को रोका जाए, और लपकों का जो केंद्र है वो हमारे यहाँ जयपुर में दो ही है। एक तो हॉकर्स है जो धीरे धीरे लपके बन जाते हैं, और एक सिटी पैलेस है हमारे यहाँ। सिटी पैलेस में एक लाइसेंस दिया जाता है कुछ पैसे लेके, तो उनकी ट्रेनिंग व्रेनिंग कुछ नहीं होती, वो कोई सिफारिश सिफारिश लगवा के, और वो बेसिकली लपका केंद्र ये दो स्टेशन से। और लपकों का ज्ञान होता है पुलिस वालों को, पुलिस स्टेशन वालों को सबको ज्ञान है, क्योंकि वो रेगुलरली करता है, वो छोड़ता नहीं है। जिस तरह जेब कतरा नहीं छोड़ता है, उस तरह लपका आज पकड़ा जाएगा, दूसरे दिन फिर काम वही करेगा, बाहर आएगा वही काम करेगा। इसलिए पुलिस वालों की नॉलेज में है कि लपके कौन कौन है। चुड़ावा के सूरजगढ़ थाने में एक महिला ने बीजेपी नेता सहित दो लोगों के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाया है। मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुट गई है। महिला के दर्ज कराए गए शिकायत के मुताबिक बीते 8 जनवरी को बीजेपी नेता सोमवीर लांबा और गांव के ही कलीराम जाट ने घर में घुसकर बलात्कार किया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बीजेपी नेता को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, क्योंकि कई सालों से आरोपी कलीराम जाट और महिला के बीच जमीन का विवाद है, जिसको लेकर भी सूरजगढ़ थाने में कई मामले दर्ज हैं और उनकी जांच चल रही है। एक मंजू कंवर नाम की महिला जवानी सिंह जी की ढाणी की, उसने दर्ज करवाया कि भाई मेरे साथ में जो है ये सोमवीर और दूसरा कलीराम है, तो कोर्ट के 156(3) के इस्तगा से के तहत कल मामला दर्ज हुआ है। इसकी अनुसंधान DYSP साहब कर रहे हैं चेरावा, और जो भी सही तफ्तीश होगी वो की जाएगी। कलीराम के और मंजू कंवर के जमीन का विवाद चल रहा है पहले से, और ये 156(3) में इस्तगा से आया, इसकी जाँच की जा रही है। धौलपुर में कधेड़ महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में ले लिया। महिला की लाश मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के खेरली गांव में एक 50 साल की अधेड़ महिला की मकान के कमरे में संदिग्ध हालत में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। गांव वालों ने मामले की खबर पुलिस को दी। पुलिस पहली नजर में हत्या का मामला मान रही है। मौत की वजह क्या थी किसी को भी नहीं पता। पुलिस वजहों को तलाशने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मौत हुई है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह भी जरूर होगी।
एक महिला की लाश मिली है। गांव वालों की सूचना पर लाश मिली है। लाश के छाती पर जख्म का निशान है। डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लगता है, बाकी पोस्टमार्टम और अनुसंधान से पता चलेगा। महिला की मौत के बाद पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में ले लिया है। तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया है ताकि वारदात की वजह का खुलासा हो सके। धौलपुर से नीरज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। टोंक जिले के रबजन क्षेत्र में एक दो साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर इल्जाम लगाया है। परिजनों के मुताबिक बच्ची की तबीयत बिगड़ने से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने उसे पेट के कीड़े मारने की दवा खिलाई थी, जिसके बाद से बच्ची की हालत खराब होती गई और बच्ची की मौत हो गई। बहरहाल मामले में अभी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन इस बात से इलाके में जरूर हड़कंप मच गया है। रतनगढ़ के छात्र देवकांत की गोली लगने से हुई मौत के मामले में आज पुलिस ने खुलासा किया है। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि ये मामला त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का है, जिसके चलते यूपी के अलीगढ़ जिले के रहने वाले पंकज शर्मा ने इस पूरे मामले को अंजाम दे दिया। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने पूछताछ में अपना गुनाह कबूला है। दरअसल पंकज सरदार शहर के SBD कॉलेज में BSc का छात्र था। पंकज को रतनगढ़ के सद्भावना स्कूल के प्रबंधक की बेटी से प्रेम संबंध थे। देवकांत भी इस लड़की से प्यार करता था, जो पंकज को नागवार गुजरा, लिहाजा उसने ये कदम उठाया। बहरहाल इस मामले में इस्तेमाल की गई पिस्टल अभी तक बरामद नहीं हुई है। बता दें कि 6 फरवरी को एक नकाबपोश होकर आए एक शख्स ने देवकांत शर्मा की गणपति पर गोली मारकर फरार हो गया था। देवकांत की इलाज के दौरान और अभी डिटेल्ड इंटरोगेशन, क्योंकि अभी शेष है किस किस का इन्वॉल्वमेंट है और कौन है इसमें, ये सारी अभी क्योंकि शेष है, अभी इससे हम डिटेल पूछताछ कर नहीं पाए, लेकिन इसने अभी हाँ भरी है। इससे मैंने भी अभी जस्ट बात की थी अंदर, तभी इसने कहा कि हाँ सर मैंने ही इसको मारा है और कारण यही बताया जो मैंने अभी आपको बताया है कि इसका उस लड़की के साथ थोड़ा प्यार था और ये सहन नहीं कर रहा था कि कोई दूसरा जाए और बातचीत करे उस लड़की से। बारा में पिछले एक साल से लापता छात्र का अब तक सुराग नहीं लग पाया है। साल 2014 में 10वीं में पढ़ने वाला छात्र लक्की अचानक लापता हो गया था। 16 जनवरी 2014 को लक्की स्कूल के लिए निकला था, लेकिन कभी लौट कर नहीं आया। लक्की के घर वालों की आंखें लाडले के इंतजार में सूख गई हैं। जानी उभय तरी दे मारी पग टूट गयो। लकी 15 साल का है, एक साल से उसकी कोई खबर नहीं, पता नहीं कहाँ है। माँ बस इतना जानती है कि वो लापता है। उसकी याद में दादी का रो रो कर बुरा हाल है। सुबह शाम दिन रात घर की चौखट पर बैठकर दादी उसकी याद में आंसू बहाती है। घंटों चौखट पर बैठकर अपने जिगर के टुकड़े का इंतजार करती है। इंतजार में एक साल कट गया, लेकिन लकी नहीं लौटा। एक साल हो। याद आते हो? याद आवे, मुँह रो रही ध्यान थरपड़ा कर ले रही मारी तो रोटी खाओ तो काय हो। माँ बाप ने गांव-गांव ढाणी ढाणी ढूंढा, मरुधरा की कोई माटी नहीं छोड़ी, लेकिन लकी नहीं मिला। लकी तो जैसे रेगिस्तान में पानी की बूंद हो गया, कहीं नहीं मिला। अब सिर्फ लकी की यादें हैं, जिनके सहारे परिवार जी रहा है। बारा की गोपाल कॉलोनी में माँ बाप और दादी के साथ रहता था लकी। 10वीं कक्षा में पढ़ता था, जिस दिन लापता हुआ उस दिन भी स्कूल गया। हर रोज जिस वक्त पर स्कूल से लौटता था लौट भी आया, शाम को खेलने भी गया और फिर कभी नहीं लौटा। लकी
दादी का दुलारा था। लकी की याद में दादी की आंखें आज भी नम हैं। दादी का दर्द उसकी आंखों से झलकता है। करांगाए मारती अंतर पड़ा हुआ पड़ा मुल्ला में दिल बुला ली जो मैं रात में नींद ना हो भूख न लगे लगे रोटी की का तब मैं रोटी दरी था पलंग पर सबसे ज्यादा लाडला था आपका वो मारा वही तो चोर होकर मारी सेवाई वही करा तो घर में लकी का कोई कमरा तो नहीं था लेकिन एक चारपाई थी जिस पर लकी सोता था जिस पर बैठकर लकी पढ़ता था। आज भी चारपाई घर के उसी कोने में पड़ी है जहाँ पहले पड़ी थी। घर वालों को उम्मीद है कि वो आएगा इसलिए चारपाई की जगह नहीं बदली। माँ बाप ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई लेकिन गुमशुदगी के रिकॉर्ड में एक नाम और दर्ज करने के अलावा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस कहती है कि तलाश जारी है जांच जारी है लेकिन शायद कागजों में ही। लेकिन साहब उस माँ को कौन समझाए उस दादी को क्या समझाएं जिसका जिगर का टुकड़ा लापता है। लकी कहाँ है किस हाल में है कैसा है पता नहीं है भी या नहीं भी ये भी पता नहीं। 12 से ब्रजेश कलवार समाचार प्लस। पंचायत राज चुनाव खत्म होने के बाद सियासी पार्टियों में पर्दे के भीतर चल रही सियासत सतह पर आ गई है और कार्यकर्ताओं की नाराजगी जग जाहिर हो गई है। जी हां बात दौसा की है जहां समाज कल्याण मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री अरुण चतुर्वेदी एक बैठक ले रहे थे और इसी बैठक में बीजेपी विधायक ओम प्रकाश हुडला ने जिला प्रशासन को जमकर घेरा और खूब आरोप लगाए। महवा विधायक हुडला ने डीएम मुक्तानंद अग्रवाल और एडीएम कैलाश शर्मा पर गंभीर आरोप मढ़ दिए। उन्होंने अधिकारियों पर भूमि रूपांतरण का काम अटकाने और रिश्वत मांगने के आरोप लगाए। बता दें कि डीएम छुट्टी पर होने के चलते बैठक में मौजूद नहीं थे। ऐसे में विधायक ने एडीएम पर जमकर भड़ास निकाली के पास मीटिंग में अपनी भावनाओं को जनता की भावनाओं को अपने द्वारा रखा है। एडीएम साहब को मैंने एमएलए लेड के जो पैसे हैं वो उसकी स्वीकृति भिजवाई और आज पांच से छह महीने हो गया आज तक उन पैसों की स्वीकृति नहीं हुई। उनके पास डेढ़ महीना चार्ज रहा और बाद में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने ये कह रहा हूँ मैं कि मैं पिछले छह महीने से मेरे नाम की जो लैंड कन्वर्जन की फाइल इनके पास रखी है एडीएम साहब के पास कलेक्टर ऑफिस में रखी है वो अभी तक लैंड कन्वर्जन नहीं हुई। और अब बात खबरों में करेंगे एटीएस राजस्थान और दौसा पुलिस की बड़ी कार्रवाई की। दोनों संयुक्त टीमों ने लालसोट में गांजे से भरा एक ट्रक पकड़ा। ट्रक पुलिस ने ट्रक में से 21 क्विंटल गांजा और 15 किलो चरस बरामद की है। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं एक पुलिस के जवान को भी इसमें संलिप्त पाए जाने पर हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक मोबाइल की सूचना पर कार्रवाई हुई। मादक पदार्थों से भरा यह ट्रक उड़ीसा से दौसा लाया जा रहा था। बहरहाल मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। लालचोट में कल देर रात एटीएस राजस्थान और दौसा पुलिस की एक जॉइंट कार्रवाई की गई और जिसमें एक बड़ा कंसाइनमेंट कॉन्ट्राबैंड का जो कि नारकोटिक्स का था वो जो कि ओडिशा से यहां लाया जा रहा था करीब 21 क्विंटल गांजा उसमें पकड़ा गया है और करीब 15 किलो चरस भी उसमें बरामद की गई है। एक बड़ी सफलता है एटीएस राजस्थान और दौसा पुलिस की जो जॉइंट कार्रवाई है उसके लिए। कोटा के रुद्राक्ष अपहरण हत्याकांड मामले में पुलिस उपाधीक्षक तृप्ति विजय के खिलाफ कोर्ट में लगाई गई याचिका आज कोर्ट में पेश की गई लेकिन पूरे कागजात न होने के चलते याचिका वापस ले ली गई। हालांकि आज इस याचिका पर बहस होनी थी लेकिन आज इस मामले में अभियुक्त अंकुर पाड़िया के दो भाइयों सुमित और संदीप को भी अभियुक्त बनाने को लेकर पेश की गई याचिका पर बहस हो सकी जिसमें कोर्ट ने मामले के जांच अधिकारी भगवत सिंह हिंगर से भी सवाल जवाब किए। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में आदेश के लिए 19 फरवरी का समय दिया है। वहीं इस दौरान मामले के अभियुक्तों अंकुर और अनूप पाड़िया को कोर्ट में पेश किया गया। और बड़ी खबर सुकारी है प्रदेश में स्वाइन फ्लू महामारी जिस तरह के से फैलती जा रही है उसको लेकर लगातार सरकार कटघरे में खड़ी है।
स्वाइन फ्लू का कहर एक बार फिर और सामने आया है। स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 123 पहुंच गई है। 14 से ज्यादा लोग प्रदेश के अस्पतालों में भर्ती बताए जा रहे हैं। 1400 से ज्यादा लोग प्रदेश के अस्पतालों में भर्ती हैं और 123 लोगों की संख्या बताई जा रही है जिनकी मौत हो चुकी है स्वाइन फ्लू के चलते। हर रोज स्वाइन फ्लू से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सरकार लगातार वादे बड़े बड़े कर रही है, दावे बड़े बड़े कर रही है, लेकिन ये दावे और वादे लगातार खोखले साबित हो रहे हैं। हाई प्रोफाइल अगर मामला सामने आता है तो सरकार के हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन जब स्वाइन फ्लू के लक्षण आम आदमी में पाए जाते हैं या स्वाइन फ्लू का वायरस आम आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसको उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते लोग आए दिन दम तोड़ रहे हैं। अस्पताल में सही इलाज नहीं मिल पा रहा है या तो समय रहते स्वाइन फ्लू की स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही है, जिसके चलते अब तक प्रदेश में 123 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 1200 संख्या पहले बताई गई थी स्वाइन फ्लू से पीड़ित लोगों की, लेकिन अब यह संख्या 1400 तक पहुंच गई है। यानी कि प्रदेश के अस्पतालों में करीब 1400 लोग ऐसे हैं जो स्वाइन फ्लू के चलते अस्पतालों में भर्ती हैं। विनय पंत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। विनय, 123 पहुंच गया मौतों का आंकड़ा स्वाइन फ्लू से, क्या जानकारी है? जी देखिए, जिस तरह से स्वाइन फ्लू जो है, सरकार ने कहा था कि जैसे जैसे सर्दी का जोर कम होगा स्वाइन फ्लू की जो ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है उसमें कमी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। स्वाइन फ्लू जो है लगातार ही पांव पसारे जा रहा है, लगातार जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो जा रहा है और जो सरकार के जितने भी प्रबंध है स्वाइन फ्लू को रोकने के लिए जितने भी दावे सारे खोखले साबित आ रहे हैं, और अभी भी जो सरकार यही कर रही है पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार के प्रयास क्या है वो उसका रिजल्ट हमारे सामने है। जी धन्यवाद विनय आपका इस जानकारी के लिए। स्वाइन फ्लू से बचाव को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में ज्यादातर मास्क साधारण क्वालिटी के हैं जो स्वाइन फ्लू का वायरस रोकने में नाकाम है, जबकि स्वाइन फ्लू का वायरस रोकने के लिए N95 के 3 लेयर मास्क की जरूरत होती है। इन्हें प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में रोज 20,000 मास्क की जरूरत है, जबकि अस्पताल में सिर्फ 25% ही मास्क उपलब्ध है। झुंझुनू में स्वाइन फ्लू को लेकर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। स्वाइन फ्लू पर सियासत लगातार हो रही है। कांग्रेस की सरकार में चिकित्सा राज्य मंत्री रहे डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने स्वाइन फ्लू से हुई मौत के लिए जहां सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ से भी इस्तीफा मांगा है। इधर पूर्व चिकित्सा मंत्री के इस बयान पर चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये हवा से फैलने वाला वायरस है। डॉक्टर शर्मा के कार्यकाल में भी 100 से अधिक मौतें हुई थी, लेकिन राज्य सरकार मौतों पर राजनीति नहीं करना चाहती। उन्होंने इस बात का दावा जरूर किया कि स्वाइन फ्लू को लेकर सभी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। चिकित्सा मंत्री से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस लगातार सरकार को स्वाइन फ्लू को लेकर घेर रही है। वहीं राजस्थान सरकार का यह कहना है कि स्वाइन फ्लू ऐसा मामला है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि मिलजुल कर काम करना चाहिए, जिससे एक दूसरे के सहयोग से प्रदेश में स्वाइन फ्लू से हो रही मौतों के आंकड़ों को रोका जा सके। हालांकि सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि बस 2 दिन 3 दिन या 5 दिन में स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतों पर लगाम लगा ली जाएगी, लेकिन 15 दिन से ऊपर का वक्त बीत गया है बैठक हुए, लेकिन अभी तक स्वाइन फ्लू के से पीड़ित लोगों के आंकड़ों में या फिर स्वाइन फ्लू से मौतों के आंकड़ों में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि 40 से यह आंकड़ा 123 तक पहुंच गया है, सैकड़े को पार कर गया है यह आंकड़ा, लेकिन अभी तक सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। आज कल भी एसएमएस में 2 डॉक्टरों को इन्होंने सस्पेंड किया। मैं पूछना चाह रहा हूं कि सस्पेंड करने से, एपीओ करने से क्या स्वाइन फ्लू के मरीजों को ये लोग क्या उनको फायदा दिला पाएंगे? उनकी खुंदक आप डॉक्टर्स पे निकाल रहे हो। मैं कह रहा हूं कि चिकित्सा मंत्री जी को चाहिए था कि पूरे राजस्थान का दौरा करते, सिर्फ एसएमएस में एक वाहवाही लूटने के लिए एक बार चले गए, वो भी एक बार। हम रात को 3-3 बजे तक हम लोग मीटिंग किया करते थे, 3-3 बजे तक मैं अस्पतालों में पड़ा रहता था, और सिर्फ इसलिए कि मैं रहूंगा तो वहां पे लोग एक्टिव रहेंगे। लोगों को सावचेत करने के लिए हमने विज्ञापनों के माध्यम से आईसी करने की कोशिश भी की है। एक प्रारंभिक लक्षण होते हैं टेमीफ्लू की टेबलेट ले। राजस्थान नहीं परंतु देश के कई हिस्से इसके चपेट में है। सभी प्रकार की जांच और दवाइयां मुफ्त की गई है और प्रत्येक जिले के अंदर आइसोलेशन वार्ड और आईसीयू की स्थापना की गई है। जहां भी स्वाइन फ्लू का केस आता है
उसके आसपास के 50 घरों की स्क्रीनिंग जारी है और मैं समझता हूं कि चूंकि ये हवा से फैलने वाला वायरस है, इस पर नियंत्रण तो मौसम की अनुकूलता और प्रतिकूलता पर निर्भर करता है, परंतु सरकार सावचेती से जो भी बन सकेगा वो कर रही है। सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लाख दावे कर रही है, लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है, इसकी एक तस्वीर श्रीगंगानगर में देखने को मिली, जहां एनसीडी क्लिनिक पर ताला लटका है, जिसकी वजह से गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को दूसरे शहरों का रुख करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने लाखों का बजट जारी कर सरकारी अस्पतालों में एनसीडी क्लिनिक बनवाई थी, ताकि गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों का यहीं पर इलाज किया जा सके, लेकिन एनसीडी क्लिनिक अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं। धौलपुर में अगर हम कहें कि सब्जी के नाम पर कैंसर पैदा किया जा रहा है तो गलत नहीं होगा। यहां खेती शहर के नालों के गंदे पानी से सिंचाई करके की जा रही है और यही सब्जी मंडी में पहुंचकर लोगों के घर तक पहुंचकर उन्हें बीमार कर देती है। हरी सब्जी हुई जहरीली, जहरीले पानी से हो रही खेती, नाले के पानी से हो रही सिंचाई, ये सब्जियां ना खाना भाई। ये दो तस्वीरें बीकानेर और धौलपुर की, दोनों ही तस्वीरों में हरी सब्जियां हैं। बचपन से माँ बाप से सुनते आ रहे थे कि हरी सब्जियां स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती हैं, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, शरीर को स्वस्थ बनाती हैं। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये हरी सब्जियां खाने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, आप धीरे धीरे बीमार हो रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये सब्जियां जहरीली हैं। इन सब्जियों की खेती जहरीले पानी से की जा रही है। मंडी से लेकर सड़क किनारे तक रखी हरी भरी साग सब्जियां अपनी ओर हर किसी को खींचती हैं, लेकिन इनकी सिंचाई से लेकर धुलाई तक जिस पानी से हो रही है वो पानी जहरीला है। जहरीले पानी से सींची जाने वाली ये सब्जियां मंडियों में होती हुई आपकी थाली तक पहुंच रही हैं। गोभी, बैंगन, मूली, गाजर, मेथी, पालक, हरी मिर्च, धनिया और ये वो सारी सब्जियां जो आपके किचन और थाली में हैं, जहरीले पानी से सींची जा रही हैं। ऐसे हालात तब हैं जब हाई कोर्ट जहरीले पानी से हो रही खेती पर रोकथाम के लिए प्रशासन को फटकार लगा चुका है। धौलपुर शहर के बीचों बीच पटपरा रोड, कचहरी रोड, भामतीपुरा रोड, स्टेशन रोड पर नालों के पानी से सब्जियां उगाई जा रही हैं। इसमें सिंचाई के लिए शहर का गंदा पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा धौलपुर में और भी कई जगह हैं जहां गंदे पानी से खेती हो रही है। दरअसल नाले के पानी में क्रीमियम और लेड होता है, ये दोनों ही हानिकारक तत्व पैदावार तो बढ़ा देते हैं लेकिन ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। पानी में जो सब्जियां उगाई जा रही हैं उससे बच्चों में और बड़े लोगों में सभी लोगों में पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। गंदे पानी की सब्जियों से बच्चों के एवं बड़े लोगों के पेट में कीड़ों का इन्फेक्शन हो सकता है तथा आंत में खराबी आ सकती है। वहीं बीकानेर के बल्लभगढ़ गार्डन में लगभग 300 बीघा क्षेत्र में जहरीली सब्जियां उगाई जा रही हैं। इस 300 बीघा क्षेत्र में निगम जेसीबी चलवाकर इन सब्जियों को नष्ट कर रहा है। हो सकता है कि नाले के पानी से सिंचाई करने से किसानों को फायदा हो रहा है, लेकिन यह फायदा लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। धौलपुर से नीरज शर्मा और बीकानेर से श्याम मारू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट समाचार। और अब आपको लापरवाही के इंतहा को बयां करती एक और तस्वीर दिखाते हैं जो सादुल शहर से है, जहां लोगों की सुविधा के लिए बना रेलवे का अंडरपास मुसीबत का सबब बन गया है। रेल आती थी तो घंटों का जाम अपने साथ ले आती थी। उसी जाम से निजात पाने के लिए प्रशासन ने सादुल शहर के बुधरवाली गांव में अंडरपास बना दिया। करोड़ों का बजट खर्च कर जो अंडरपास बना उसकी तस्वीर आपके सामने है। सर ये उखड़ चुके हैं, जो दीवारें अंडरपास के दोनों तरफ खड़ी की गई थी वो अतीत बन चुकी हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत तो बारिश की चार बूंदों से होती है, जब अंडरपास में पानी जमा हो जाता है। जैसे जी जैसे इसकी चारों तरफ दीवारें थोड़ी थोड़ी
कुछ ही दूर तक पक्की है, बाकी सभी कच्ची है, जिसके सरिये थले नीचे गड़े हुए है, उससे साधन बीच में टकराते हैं। कई बार अंधेरा होता है, जैसे पानी गिराते हैं, जैसे साधन दूर से नुक्कड़ से जैसे चलाते हैं, कई बार दो से साधन पंचर भी हुए हुए हैं यहाँ पर, तो पानी ज्यादा भर जाता है, जैसे पानी आता है यहाँ, बरसात आता है, सभी गांव का पानी जाता बीच में चला जाता है। खतरे के मुंह से गांव वालों को गुजरना मजबूरी बन गई है। खुले सर ये कब किसकी मौत का सबब बन जाए कोई नहीं जानता, लेकिन प्रशासन को कोई इत्तेफाक नहीं है। गाँव वाले गुहार लगा लगा कर थक गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हजार मिन्नतें करने के बाद एसडीएम साहब पहुंचे तो अंडरपास में भरे पानी को निकाल कर वो भी निकल लिए। एसडीएम से बात हुई थी, वो आए भी थे यहाँ पर, उसने कोई ऐसे नहीं बताया, कोई पक्का समाधान नहीं निकाला जी। गांव में एक दो ट्रैक्टरों को लगाया गया था, पानी निकाला था यहाँ से, जैसे पिछले बार जैसे ज्यादा बरसात, एक महीना लगातार ये पुल बंद रहा था। एक या दो परेशानी हो तो देखी जाए, हल्की सी बूंदाबांदी के बाद ही अंडरपास ब्लॉक हो जाता है और गांव वालों के पास प्रशासन को कोसने के सिवा कोई चारा नहीं रह जाता, क्योंकि इस अंडरपास के बनने से खतरों के साथ ही सही कम से कम गांव वालों को थोड़ी राहत तो मिले। अलवर में नगर परिषद बोर्ड की बैठक में सभापति की दबंगई देखने को मिली। सभापति ने बिना पार्षदों से बातचीत किए 15 मिनट के भीतर 61 करोड़ का बजट पास कर दिया। इस बात से गुस्साए कांग्रेसी पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की और सभापति पर मनमानी करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा अलवर नगर परिषद में बीजेपी का बोर्ड बना है, जिसकी वजह से कांग्रेस के पार्षदों की अनदेखी की जा रही है। नगर परिषद की आज बजट बैठक थी, बजट बैठक में जो उन्होंने सभापति मोदी ने जो आज ये लोकतंत्र का एक काला अध्याय लिखा है, स्वर्णिम काला अध्याय लिखा है, ये पहली बार लिखा गया है नगर परिषद के इतिहास में। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि बजट की मीटिंग में सभापति मोदी बिना चर्चा के यहाँ से प्रस्थान कर जाएं। नगर परिषद मोदी सभापति मोदी ने इस बजट मीटिंग में सीधे सीधे अलवर शहर की जनता के साथ अन्याय किया है, उनके साथ उनकी भावनाओं के साथ खेला है। 61.5 करोड़ रुपए का बजट हमने पेश किया है और बहुमत से इसको हमने पास करवा दी। नहीं, इसमें कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा जो पहले हमारा जो भी खर्चा और आमदन थी उसके ऊपर 10% बढ़ा करके ये प्रोविजन है, वही हमने किया है। इसमें कोई भी चर्चा का संविधान में ही नहीं है। टोंक जिले में नगर परिषद अधिकारियों की तानाशाही हावी होती जा रही है। इसका ताजा नमूना उस समय देखने को मिला जब डिपो क्षेत्र में नगर परिषद के अधिकारी किसी की शिकायत पर एक मकान का निर्माण को अवैध मानकर तोड़ने पहुंचे और परिवार की सुने बिना उनका मकान तहस नहस कर दिया। पीड़िता रोती चिल्लाती रही, लेकिन उस बेबस की किसी ने नहीं सुनी। बाद में जब मीडियाकर्मी मौके पर पहुंचे तो नगर परिषद के कर्मचारियों से मामले की जानकारी लेनी चाहिए तो उनसे कोई जवाब नहीं दिया गया। हालांकि डिपो के जिस क्षेत्र में पीड़ित परिवार के मकान के आगे हिस्से को नगर परिषद कर्मचारियों ने अवैध मानकर तोड़ दिया, उसके पास और उसी लाइन में कई दुकानें हैं और भी हैं, जहां पर नगर परिषद ने कोई भी कार्रवाई करना तक उचित नहीं समझा। केशवराय पाठक के नैरवा के स्कूल में शिक्षकों की कमी और शिक्षकों की लेट लतीफी से आक्रोशित छात्रों और ग्रामीणों ने विद्यालय के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। गुस्साए छात्रों ने शिक्षकों को विद्यालय के अंदर घुसने नहीं दिया। छात्रों का आरोप है कि एक तो शिक्षकों की कमी और ऊपर से शिक्षक वक्त पर नहीं आते, जिसके चलते शिक्षण कार्य नहीं हो पाता। कई बार प्रशासन को भी इस बारे में जानकारी दी गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। आज ताला बंद किया। राजधानी के एसएमएस अस्पताल में लाल खून का काला खेल सामने आया है। बताया जा रहा है कि अपने पति का इलाज कराने आई एक महिला से खून के दलालों ने 6,000 रुपए ठग लिए। खून की दलाली काम छूटने के बाद आरोपी मरीजों को निशाना बनाने लगे हैं। किसी अपने की जिंदगी बचाने के लिए खून की जरूरत हो तो आपको एसएमएस अस्पताल के ब्लड बैंक के आसपास कई दलाल तैयार मिलेंगे। बस मुंह मांगी रकम दीजिए, काम पूरा, और एसएमएस ही क्यों। जयपुर के सभी बड़े छोटे सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों में खुल के दलाली का धंधा जोरों पर है। खून के दलाल ब्लड बैंक के आसपास आपको घूमते मिल जाएंगे, आपको उन्हें ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप ब्लड बैंक के पास पहुंच जाइए, उसके बाद मधुमक्खी खुद ही शहद के पास आ जाएगी।
अगर किसी मरीज को ब्लड की जरूरत होती है तो ये दलाल ऊंची कीमतों पर उन्हें ब्लड दिलाते हैं और कभी कभी तो रुपए हड़प कर रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी के SMS अस्पताल में सामने आया। SMS अस्पताल में एक महिला अपने पति को इलाज के लिए लेकर गई। महिला का पति कैंसर से पीड़ित था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने के लिए कहा और महिला से 2 यूनिट ब्लड लाने के लिए कहा। महिला भागी भागी ब्लड बैंक पहुंची, जहां पहले से ही एक महिला दलाल शिकार की तलाश में बैठी थी। महिला दलाल ने ब्लड लेने आई महिला से बाजार कीमत से कम दाम में ब्लड दिलवाने का भरोसा दिलवाया। फिर महिला दलाल ने पवन नाम के दलाल से उसकी मुलाकात करवाई। 2 घंटे में ब्लड देने की बात कहकर पवन उस महिला से 6,000 रुपए लेकर चला गया। इधर दूसरी तरफ डॉक्टरों ने मरीज का ऑपरेशन टाल कर उसे दवाई देकर घर ले जाने की बात कही। इसके बाद महिला ने पवन को ब्लड लाने से मना करने के लिए फोन किया और पैसे वापस देने के लिए कहा, लेकिन पवन ने फोन बीच में ही काट दिया और इसके बाद फोन को स्विच ऑफ कर दिया। महिला परेशान हो गई। वो पुलिस में रिपोर्ट देने के बारे में सोच ही रही थी कि पवन उसे अस्पताल में टहलता मिल गया। महिला ने तुरंत इसकी खबर पुलिस को दी। ब्लड बैंक के गेट पे खड़ी हुई थी लेडी, तो ये पवन जैन नाम का व्यक्ति मिला और उससे बातचीत की, क्या बात है? तो उसने कहा कि मेरे को 2 यूनिट ब्लड चाहिए, मेरे पास ब्लड देने वाला कोई नहीं है। तो उसने कहा बाजार में तो 7,000 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपको ब्लड मिलेगा और मैं आपको 6,000 में 2 यूनिट उपलब्ध करा दूंगा। हाँ, ये पहले कोई प्राइवेट कंपनी में वार्ड बॉय के काम करता था जो 2013 में, लेकिन इसकी हरकतें गलत थी तो इसको कंपनी ने हटा दिया था। उसके बाद में SMS में यही चक्कर काटता रहता है, ऐसे लोगों को ढूंढता रहता है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी कई मामले सामने आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जोधपुर के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में आसाराम मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रही। आज सुनवाई में पुलिस के वीडियोग्राफर महेंद्र सिंह का बयान हुआ। इस पुलिसकर्मी ने ही पीड़िता के पुलिस को दिए बयान और मड़ाई फार्म हाउस में बलात्कार के मौका मुआयना की वीडियोग्राफी की थी। आसाराम और दूसरे आरोपियों से भी वकीलों ने आज रही। SI मोतीराम आज कोर्ट में हाजिर हुआ, लेकिन कोर्ट का वक्त पूरा हो जाने से उसका बयान नहीं हो सका। हालांकि कोर्ट में कल भी मामले की सुनवाई होनी है। कल के लिए कोर्ट ने आसाराम के सेवादार रह चुके राहुल सचान को बयान के लिए तलब किया है। बता दें कि राहुल ने ही पुलिस को दिए बयान में आसाराम पर कई संगीन आरोप लगाए थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पोती इला गांधी ने हिंदुत्व के एजेंडे और इस्लाम के नाम पर आतंकवाद का पुरजोर विरोध किया है। उदयपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का एजेंडा वाले को बाज आना चाहिए और इस्लाम के नाम पर आतंक फैलाने वाले सही नहीं कहे जा सकते। इस्लाम का मतलब होता है शांति, लेकिन इसके नाम पर टेरर फैलाने वाले सही मुसलमान नहीं हो सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि ओबामा की भारत के परिप्रेक्ष्य में कही गई बात पूरे विश्व पर लागू होती है। उदयपुर में एक ऐसा राज दरबार है जिसके सदस्य कलाकारों की उंगलियों पर थिरकते हैं। इन राजा महाराजाओं और इनकी राजसी राजबाट को देखने वालों को भी कमी नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं झीलों की नगरी के बागोर की हवेली में सजे कठपुतलियों के राज दरबार की, जहां महाराजाओं और महारानी की शक्ल अख्तियार करे बैठे ये ढेर सारे पपेट्स दर्शकों को खूब पसंद आते हैं। वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर के निदेशक का कहना है कि इस हवेली का अपना रुतबा है, जिसके चलते कठपुतलियों के जरिए रजवाड़ों के रहन सहन, वेशभूषा, आमोद प्रमोद, तीज त्योहार जैसी सांस्कृतिक विरासत को संजोए हैं। ये सारी पुत्री संसार जो लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है।